अब हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम सिलेंट्रेटा और इसी को निडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया, ठीक है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जैसे फाइलम पोरिफेरा के मेंबर एक्वेटिक होते हैं, उसी तरह से फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा के मेंबर्स भी एक्वेटिक होते हैं। तो आप लिख लेंगे कि जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, सारे मेंबर्स पानी में पाए जाते हैं, पानी के बिना ये जीवित नहीं रह सकते, जैसे पोरिफेरा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे सिलेंट्रेटा भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये पानी ही चाहिए इनको, ठीक है ना। और ये लैंड पर नहीं पाए जाते, सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो समुद्र पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली मराइन, मतलब ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो समुद्र पाए जाते हैं, और केवल कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर होते हैं, ओनली फ्यू मेंबर्स आर फ्रेश वाटर, मतलब कुछ ही मेंबर्स होते हैं जो नदियों में तालाबों में पाए जाते हैं, जबकि ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो हैं वो सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, यानी कुछ मेंबर्स चट्टान पर ज्यादातर समय बिना मूवमेंट के बिताते हैं, बिना मतलब लोकोमोशन के बिताते हैं, सेसाइल का मतलब जो एनिमल लोकोमोशन ना दिखाए, ठीक है। तो और या बहुत रेयर लोकोमोशन दिखाए, तो मेंबर जो होते हैं वो सेसाइल और फ्री स्विमिंग होंगे। तो मेंबर्स आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, सेसाइल का मतलब होता है ऐसे मेंबर्स जो लोकोमोशन नहीं दिखाते, सेसाइल को ही सेडेंट्री बोला जाता है। पोरिफेरा में बता चुके हैं, पोरिफेरा में भी जो एडल्ट होते हैं वो सेसाइल होते हैं या सेडेंट्री होते हैं। तो डू नॉट शो लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन नहीं दिखाते। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा कभी कभी लोकोमोशन भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय वो सेसाइल ही रहता है, लोकोमोशन नहीं दिखाता। तो सेसाइल शब्द का यह मतलब होता है कि कुछ सिलेंट्रेट जो होते हैं वो जीवन भर चट्टान से चिपके रहते हैं, जैसे पोरिफेरा चिपके रहते हैं, और बहुत रेयर केस में आप उनको मूव करते हुए पाएंगे, तो उसके लिए सेसाइल टर्म आ गया। और फ्री स्विमिंग जो होता है वो पानी में लगातार तैरते रहते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेट जो होते हैं या तो सेसाइल होंगे या फ्री स्विमिंग होंगे। सिलेंट्रेट जो होते हैं सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं, उसमें मोस्टली मरीन होते हैं और फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये जो निडेरिया टर्म क्यों पड़ा है या सिलेंट्रेटा टर्म क्यों पड़ा है। सिलेंट्रेटा टर्म इसलिए पड़ा है क्योंकि बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहा जाता है। बॉडी हैज सेंट्रल कैविटी, उसको कहा जाता है सिलेंट्रॉन, या किसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रॉन कहिए या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहिए, ये निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स के बॉडी में पाया जाता है। और पोरिफेरेंस की बॉडी में क्या पाया जाता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील पाया जाता है, ठीक है। तो चूंकि बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसको सिलेंट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इस फाइलम के मेंबर को क्या कहते हैं, इस फाइलम का नाम क्या पड़ा है, सिलेंट्रेटा पड़ा है। तो सिलेंट्रेटा में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सिलेंट्रॉन पाया जाता है, सिलेंट्रॉन बियरिंग एनिमल्स को फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा जाता है। और इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा है, क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स नीडोसाइट्स पाई जाती हैं इनके बॉडी में और इनके टेंटिकल्स पर। तो देखोगे बॉडी, अभी बॉडी क्या है, टेंटिकल क्या समझाते हैं, बॉडी एंड टेंटिकल्स बियर नीडोसाइट्स। तो बॉडी और टेंटिकल बियर्स नीडोसाइट्स, ठीक है, और नीडोसाइट्स को ही बोला जाता है नीडोब्लास्ट भी, और नीडोब्लास्ट। तो बॉडी और टेंटिकल बियर्स नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट, तो ऐसे एनिमल जिनमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनको नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट कहते हैं, उनको फाइलम निडेरिया में रखा जाता है। यानी इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, एक तो सिलेंट्रॉन का पाया जाना और दूसरा नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट का पाया जाना।
ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट जो होते हैं ये स्पेशल सेल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, ये स्पेशल सेल्स होती हैं, इन्हीं को स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, तो इनको स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक ये सेल इस तरह की होती है कि इनमें एक लिक्विड से भरा हुआ एक पाउच होता है जिसको स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं या नेमेटोसिस्ट कहते हैं। तो स्टिंगिंग सेल के अंदर क्या होता है, स्टिंगिंग सेल के अंदर होता है दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल, दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, या इसी को नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट। तो याद रखना है कि नेमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल ये सेल नहीं है, ये स्टिंगिंग सेल के अंदर पाए जाने वाला पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूजुअली टॉक्सिन्स भरे रहते हैं और इससे सुई जैसे धागे निकलते हैं और जा करके शिकार के अंदर घुस जाते हैं, या इससे चिपचिपे धागे निकलते हैं जो कि जा करके किसी सरफेस से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टिंगिंग सेल किन किन चीज़ों में मदद करती है सिलेंट्रेट्स के, स्टिंगिंग सेल मदद करती है एंकोरेज में, फिर आप कह सकते हैं शिकार को पकड़ने में, ठीक है, और ऑफेंस में और डिफेंस में, मतलब भाई किसी पर हमला करना है तो भी वो स्टिंगिंग सेल से ये सुई जैसा धागा निकाल करके चुभो देगी अपने दुश्मन को, तो तब भी ये एक तरह से कहा जाएगा कि बचाव में, सुरक्षा में या हमले के लिए इस्तेमाल करता है ये स्टिंगिंग सेल को। अगर शिकार को पकड़ना है तो उसके अंदर ये धागा चुभ करके उसको पैरालाइज कर देगा क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन होता है, कई बार इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिससे कि जो धागा निकलता है वो किसी सरफेस पर जाकर चिपक जाता है और बहते हुए पानी में सिलेंट्रेट अपने आप को एक जगह टिका के रख पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हेल्प किन चीज़ों में करता है कि जो नीडोसाइट होता है इट हेल्प्स इन एंकोरेज, एंकोरेज का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ से चिपका के रखना और अपने को सहारा देना, बहते हुए पानी में अपने आप को बहने ना देना, ठीक है। तो एंकोरेज में ये डिफेंस में हेल्प करता है, अपनी सुरक्षा में इसका इस्तेमाल करता है स्टिंगिंग सेल को सिलेंट्रेट, और कैप्चर ऑफ प्रे शिकार को पकड़ने के लिए भी, उसको पैरालाइज करने के लिए भी वो स्टिंगिंग सेल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने कहा कि स्टिंगिंग सेल बॉडी और टेंटिकल पर पाया जाता है, तो ये बॉडी और टेंटिकल क्या होता है, तो इसको आप समझ लें कि इसमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए इसकी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी जो है उससे बहुत सारे ऐसे फिंगर जैसे प्रोसेस निकले रहते हैं और ये बीच में माउथ होता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो आप देखेंगे कि बॉडी पर भी स्टिंगिंग सेल पाई जाती है, बॉडी वॉल पर भी, बॉडी वॉल में भी स्टिंगिंग सेल होती है, ये लाल लाल रंग से हमने स्टिंगिंग सेल दिखाया है, और ये जो टेंटिकल है इस पर भी स्टिंगिंग सेल होती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस है इसको बोलते हैं टेंटिकल, और ये जो सिलेंडर जैसी है स्ट्रक्चर इसको बॉडी कहते हैं, और बॉडी के टिप पर क्या होता है, ये माउथ होता है। तो हालांकि इसका डायग्राम मैं भी आपको अभी बाद में भी बनाऊंगा। तो आप देखिए स्टिंगिंग सेल कहाँ पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल बॉडी पर भी पाई जाती है, और ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं इस पर भी पाया जाता है। अब देखिए जो सिलेंट्रेट है, मान लीजिए हाइड्रा है, तो किसी भी सिलेंट्रेट में टिपिकली हम यहाँ हाइड्रा का एग्जांपल दे रहे हैं, ये बॉडी है और बॉडी के ऊपर एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं, और इसके टिप पर क्या होता है, माउथ। तो ये जो कोन जैसा प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है जिसको हमने डॉट से दिखा दिया है, ये वाला पोर्शन, इसको हाइपोस्टोम कहा जाता है, हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन बॉडी, बॉडी में ऊपर की तरफ एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है
उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैंने हाइड्रा का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रा में लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाइड्रा हुआ। और इसमें ये जो पोर्शन है ये इसको हम बॉडी कहेंगे, ठीक। तो बॉडी से कॉनिकल प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं, और इसमें सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं, ठीक। और इस हाइपोस्टोम के बेस से, इस हाइपोस्टोम का जो बेस है वो ये है, इससे तमाम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है। देखिए ये टेंटिकल है, यहां से टेंटिकल निकला होगा, बेस से टेंटिकल्स निकले होंगे, ये टेंटिकल, तो इसको टेंटिकल, जो चारों तरफ हाइपोस्टोम के बेस से टेंटिकल्स निकले रहते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और तो टेंटिकल हो गया और बॉडी हो गया, और अंदर जो कैविटी होती है बड़ी सी, इसके अंदर एक आपको बड़ी सी कैविटी दिखेगी, इस कैविटी को बोलेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या इसी को सिलेंट्रॉन कहते हैं। अब पानी जो है वो माउथ के रास्ते ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आता है, अपने साथ भोजन लेके आता है, और भोजन लेके भी आ सकता है, या टेंटिकल से शिकार को पकड़ करके वो अपने माउथ के अंदर घुसा सकता है, और फिर इसमें डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद जो चीज नहीं बचेगी वो फिर इसी रास्ते बाहर आ जाएगी। तो बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है और उस सिंगल ओपनिंग को माउथ कहते हैं, ठीक है, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है। ये कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, बट चूंकि डाइजेशन इसमें हो रहा है तो एलिमेंट्री कैनाल के एनालॉगस बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी हैज सिंगल ओपनिंग, बॉडी है सिंगल ओपनिंग, और वो ओपनिंग किस चैम्बर में जाके खुलती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपको जैसा कि मालूम है कि जो सीलेंट रेट्स होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, तो मेंबर्स शो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, तो मेंबर जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी मेंबर्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मेंबर जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हीं से बाद में बॉडी वॉल बनती है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गए। और तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख लेंगे साथ ही साथ कि मेंबर्स शो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो मेंबर्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, ठीक है, कहीं का एस लिखा रहता है, कहीं जेड लिखा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के स्पेलिंग में, तो याद रखेंगे ये क्वींस इंग्लिश और यानी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेंबर शो रेडियल सिमेट्री, मेंबर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, और मेंबर शो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया ही है कि इनकी बॉडी वॉल में स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है, बॉडी में स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है चारों तरफ, और इनके टेंटिकल्स में भी स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है, और स्टिंगिंग सेल्स स्पेशल सेल है जो फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर में पाई जाती है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो स्टिंगिंग सेल्स हैं उनका नाम जो है वो आप नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट भी उनको कहा जाता है, और उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल एक लिक्विड से भरा हुआ पाउच होता है जिसको नीमेटोसिस्ट भी कहते हैं। तो नीमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका चित्र जो है वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये स्टिंगिंग सेल है, ठीक है, और ये स्टिंगिंग सेल है और इसके अंदर एक पाउच भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे लिक्विड से भरा हुआ पाउच है और इसमें ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर भी इस पाउच में डूबा रहता है, तो ये हो गया नेमेटोसिस्ट, या इसी को स्टिंगिंग कैप्सूल कहेंगे, स्टिंगिंग, मैं चित्र बना दे रहा हूं, स्टिंगिंग स्टिंगिंग कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। और ये जो पूरी सेल है, ये जो पूरी सेल है इसको आप क्या कहेंगे, नीडोसाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट, तो दिस होल सेल इज नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टिंगिंग कैप्सूल कहेंगे। अब जैसे मान लो कोई सरफेस जैसे ही इस छोटे से पोर्शन को टच करेगा तो ये ढक्कन, ये बोल सा देखो ढक्कन है, ढक्कन खुल जाएगा और ये धागा बाहर निकल आएगा, तो जब हम ढक्कन खोलेंगे तो कुछ
ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ढक्कन ये खुल गया और ये धागा जो अंदर दिख रहा है ये धागा अब ऐसे ऐसे बाहर निकल आएगा, इसी को बोलेंगे स्टिंगिंग सेल डिस्चार्ज हो गई। और ये धागा जो है इसमें कांटे भी निकले रह सकते हैं, इस धागे पर चिपचिपा पदार्थ भी लगा हो सकता है और इसमें जो लिक्विड है, इसमें जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। अगर जहरीला पदार्थ है जिससे कि शिकार पैरालाइज हो जाता है तो हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिख रहा है, हिप्नोटॉक्सिन जो कि प्रे को पैरालाइज कर देता है स्टिंगिंग कैप्सूल में। तो स्टिंगिंग कैप्सूल में कौन सा टॉक्सिन भरा रहता है? हिप्नोटॉक्सिन। स्टिंगिंग कैप्सूल कई तरह का होता है, कुछ में हिप्नोटॉक्सिन भरा रह सकता है, कुछ में चिपचिपा पदार्थ भरा रह सकता है, कुछ में खाली रह सकता है। तो अगर चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है तो जो धागा निकलेगा उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा होगा, उससे एंकोरेज में हेल्प मिलेगा। अगर इसमें हिप्नोटॉक्सिन भरा होगा तो इससे जो धागा निकलेगा वो शिकार में चुप करके उसको पैरालाइज कर देगा, तो कैप्चर ऑफ प्रे में मदद करेगा। या अगर इसमें कुछ नहीं भरा होगा, इसमें कांटे ऐसे निकले, कांटे लगे होंगे तो ये निकल करके शिकार, ये निकल करके दुश्मन के ऊपर हमला करने में मदद करेगा या डिफेंस में हेल्प करेगा। तो ये निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और ये निमेटोसिस्ट एक तरह से सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर, और सेल को बोलते हैं, सेल पूरे सेल को बोलते हैं नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल, और इसके अंदर ये पाया जाता है निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल। और स्टिंगिंग कैप्सूल सॉरी ये जो नीडोसाइट है या स्टिंगिंग सेल, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन बॉडी पर होती है और इसकी लोकेशन टेंटिकल पर होती है। अब देखिए सीलेंट्रेट्स में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों होता है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है और सेल के अंदर भी होता है डाइजेशन। पोरीफेरा में हमने बताया था कि डाइजेशन हमेशा सेल के अंदर होता है, इंट्रा सेलर डाइजेशन होता है। तो लिख लीजिए सीलेंट्रेट्स में डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर। पहले एक्स्ट्रा सेलर होगा उसके बाद इंट्रा सेलर होगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले एक्स्ट्रा सेलर होगा उसके बाद इंट्रा सेलर होगा। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलर, ये एनसीईआरटी बुक नहीं मेंशन किया, आप लिख लेंगे, एंड देन सेकंड इंट्रा सेलर। अब एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन कहां होगा? ये देखिए बॉडी वॉल बनाया, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है तो उसके बॉडी वॉल में दो लेयर दिखेंगे, ठीक है, ये बाहर वाला लेयर, अंदर वाला लेयर, और अंदर जो कैविटी है इसको आप गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी करेंगे, ये माउथ है, ठीक है ना, इस तरह से आपने बना दिया। तो सपोज करिए माउथ है, अब इसमें भोजन आया, ये भोजन आया, फूड आया, तो जब फूड आएगा तो क्या होगा? फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि इससे एंजाइम्स निकलेंगे सेल से, तो सेल से एंजाइम्स निकलेंगे और इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और ये पार्शियल डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, ठीक है, पूरा तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके कुछ फूड में के कुछ कंपोनेंट डाइजेस्ट होंगे। और जब पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा तो फिर ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर सेल के अंदर घुसेगा और सेल के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनसाइड सेल, यानी कि डाइजेशन पूर्ण होता है सेल के अंदर। तो डाइजेशन की शुरुआत सेल के बाहर हो जाती है और फिर वो सेल अंदर ले लेती है उसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को और फिर अंदर पूरी तरह से पचा लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। कोई भी फूड जो है वो सिलेंट्रेटा के बॉडी के सिलेंट्रेटा के सेंट्रल कैविटी यानी जिसको कि हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं उसके अंदर घुसता है, वहाँ पर कुछ डाइजेशन होता है जिसको एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इससे फूड पूरी तरह से तो नहीं लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, आंशिक रूप से उसका डाइजेशन हो जाता है और ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन फिर उसके बॉडी वॉल की जो सेल है उसके अंदर घुस जाता है और उसका फिर वहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो बाहर अधूरा डाइजेशन है और सेल के अंदर घुसने के बाद वो पूरा डाइजेशन हो जाता है, यानी दोनों जगह डाइजेशन देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ये मतलब हुआ। तो सिलेंट्रेटा में डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ सिलेंट्रेट्स के में स्केलेटन पाए जाते हैं और एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, ऐसे सिलेंट्रेट्स को कोरल कहा जाता है। तो कोरल्स जो होते हैं क्या होते हैं? कोरल्स आर सिलेंट्रेट्स दैट पोजेस that contain that secrete skeleton और ये skeleton calcium carbonate का बना होता है। तो coral ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं
जो क्या सिक्रीट करते हैं, स्केलेटन सिक्रीट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोरल है, ये उसका टेंटिकल है और ये उसकी बॉडी है, तो ये क्या करेगा अपने चारों ओर बॉडी वॉल से स्केलेटन सिक्रीट करेगा, तो अपने चारों ओर ऐसे कप जैसा स्केलेटन सिक्रीट कर लेगा। अब देखो तो ये, और इसी स्केलेटन के अंदर ये रहता है पूरे जीवन भर, तो मर जाएगा तो इसी में सड़ जाएगा फिर मरने के बाद, तो ये कप लाइक स्केलेटन, तो कप लाइक एक्सोस्केलेटन, क्योंकि शरीर के बाहर है स्केलेटन, तो उसको क्या बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। तो कोरल्स जो होते हैं वो ऐसे सिलेंड्रेट्स होते हैं जो कि स्केलेटन सिक्रीट करते हैं, और इनके स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैल्केरियस स्केलेटन। क्या बोलेंगे इसको? कैल्केरियस स्केलेटन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर ये भी चीज ध्यान रखना है कि सिलेंड्रेट्स में दो तरह के बॉडी फॉर्म्स देखे जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स आर सीन इन सिलेंड्रेट्स, ठीक है, सिलेंड्रेट्स। तो दो तरह के बॉडी फॉर्म्स देखे जाते हैं सिलेंड्रेट्स में, कौन कौन से दो तरह के बॉडी फॉर्म देखे जाते हैं? पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो स्पोरम्स जो होते हैं उनका जो बॉडी फॉर्म होता है वो पॉलिप फॉर्म होता है, ठीक है। तो कोरल क्या होते हैं? आर पॉलिप्स। तो कोरल्स क्या होते हैं? पॉलिप्स होते हैं, क्योंकि इनका बॉडी फॉर्म सिर्फ पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ सिलेंड्रेट्स होते हैं जिनमें जिनका बॉडी फॉर्म पॉलिप होता है, कुछ सिलेंड्रेट्स होते हैं जिनका बॉडी फॉर्म मेड्यूसा होता है, और कुछ सिलेंड्रेट होते हैं जिनमें दोनों तरह के बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो याद रखिए जो पॉलिप फॉर्म होता है, पॉलिप फॉर्म होता है वो सेसाइल होता है, मतलब वो सेडेंटरी होता है, वो जल्दी लोकोमोशन नहीं दिखाता, चट्टान से एक जगह चिपका रहता है ऑलमोस्ट लंबे समय तक। और दूसरा होता है ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक। और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है, और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। तो जो मेड्यूसा फॉर्म होता है, मेड्यूसा फॉर्म वो फ्री स्विमिंग होता है। तो मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है? वो फ्री स्विमिंग होता है, मेड्यूसा फॉर्म इज फ्री स्विमिंग, ये पानी में आपको हमेशा तैरते हुए दिखेगा, ठीक है। और दूसरा ये अम्ब्रेला लाइक होता है, छाते जैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, तो अम्ब्रेला लाइक होता है। अब चित्र के हिसाब से अगर समझे आप तो मैं बता देता हूं, जो पॉलिप फॉर्म होगा उसकी बॉडी देखिए सिलिंड्रिकल होगी, ऐसे बना दिया, तो हाइड्रा की बॉडी आप देखिए टेंटिकल्स निकले होंगे, तो ये पॉलिप फॉर्म है। तो और ये चट्टान पर ऑलमोस्ट लंबे समय तक चिपका रहता है पूरे जीवन भर, ठीक है, या कभी कभी जरूरत पड़ने पर लोकोमोशन भी दिखा सकता है। तो ये पॉलिप फॉर्म है, ये सेसाइल होता है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल होता है। और दूसरा कुछ सिलेंड्रेट होते हैं जो अम्ब्रेला लाइक होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, उनको हम मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं। तो मेड्यूसा फॉर्म जो है ये अम्ब्रेला लाइक का बना देंगे ऐसे, ये इनका हाइपोस्टोम है और ये इनका माउथ है, और इनसे ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते हैं चारों तरफ, ये टेंटिकल्स निकले हुए, तो ये मेड्यूसा फॉर्म हो गया। तो मेड्यूसा फॉर्म में है वो अम्ब्रेला जैसा होता है, इसमें हाइपोस्टोम देख रहे हो नीचे लटका हुआ है, माउथ इसमें नीचे है, इसमें माउथ ऊपर है, ठीक है। तो पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा, तो सिलेंड्रेट दो तरह के बॉडी फॉर्म दिखाते हैं, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। अब कौन सा सिलेंड्रेट है जो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो पॉलिप फॉर्म का एग्जांपल लिख लोगे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया, सी एनीमोन हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी एनीमोन एडेंसिया को बोलते हैं, एडेंसिया जो है वो साइंटिफिक नेम है, तो सी एनीमोन हो गया या एडेंसिया और हाइड्रा, ये दोनों। और कोरल भी तो पॉलिप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देखो कोरल की बॉडी भी सिलिंड्रिकल है और कोरल भी साइल होते हैं, अपने स्केल्टन के अंदर ही हमेशा रहते हैं। तो कोरल ऐसे पॉलिप होते हैं जो स्केल्टन सिक्रीट करते हैं, सारे सिलेंड्रेट स्केल्टन सिक्रीट नहीं करते, सिर्फ कोरल ही है जो एक्सोस्केल्टन सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले कुछ सिलेंड्रेट का नाम बताइए, तो हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया जिसको एडेंसिया कहते हैं, और तीसरा क्या हो गया? कोरल्स हो गए, ठीक है। और मेड्यूसा फॉर्म का एग्जांपल है जेलीफिश, जेलीफिश देखते हो समुद्र में तैरते हुए ऐसे जाती है, ठीक है, तो जेलीफिश हो गया, उसको ऑरेलिया भी कहते हैं। तो जेलीफिश,
तो जेली फिशेज है, बहुत सारी इसके स्पीशीज होती है, हम एक जेली फिश का नाम बता रहे ऑरेलिया, तो जेली फिश या ऑरेलिया ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जेली फिश हो गया, ये मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया, और कोरल्स हो गए, ये पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म आपको देखा जाता है, लाइफ साइकिल के कुछ समय में ये पॉलीफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और कुछ समय में ये मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दोनों फॉर्म ये शो करते हैं, एक ही स्पीशीज दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो पॉलीप मेडुसा दोनों स्टेज देखा जाता है कुछ सिलेंट्रेट में, अब उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जो सिलेंट्रेट पॉलीप मेडुसा फॉर्म दोनों शो करता है उसका एग्जाम्पल है ओबिलिया। तो ओबिलिया जो है शो बोथ बॉडी फॉर्म्स, बोथ बॉडी फॉर्म्स, तो ओबिलिया जो है वो दोनों तरह का बॉडी फॉर्म दिखाता है, शो बोथ बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। और जब दोनों बॉडी फॉर्म एक ही स्पीशीज दिखाता है तो उसमें पॉलिप फॉर्म से ही मेडुसा फॉर्म बनता है और मेडुसा फॉर्म से फिर वापस पॉलिप फॉर्म बन जाता है। पॉलिप फॉर्म से जो मेडुसा फॉर्म बनता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ये रूल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और मेडुसा फॉर्म गैमेट बनाता है, स्पर्म वा बनाता है, दोनों फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, फिर उससे पॉलिप बनता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मेडुसा है वो पॉलिप बनाता है। यानी जिन सिलेंट्रेट्स में दोनों बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं वहां पर पॉलिप फॉर्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा और उससे उसके रिजल्ट से मेडुसा बनेगा, और मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा और उसके रिजल्ट से क्या बनेगा, पॉलिप बनेगा। तो पॉलिप और मेडुसा फेस का अल्टरनेशन होता रहता है, तो अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, तो इसी को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो मेटाजेनेसिस क्या सारे सिलेंट्रेट दिखाएंगे? नहीं, वो सिलेंट्रेट दिखाएंगे जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाएगा। अब हाइड्रा में केवल पॉलिप स्टेज पाया जाता है, उसमें मेडुसा बनता ही नहीं है, ऑरेलिया में केवल मेडुसा स्टेज पाया जाता है, उसमें पॉलिप बनता ही नहीं है, तो वो कहां से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाएंगे कि पॉलिप और मेडुसा जब दोनों बनेगा तब ना दिखाएंगे। तो ओबिलिया क्या दिखाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, और कौन सा जनरेशन? हैप्लॉइड डिप्लॉइड जनरेशन नहीं, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा जनरेशन। हम लोग जब प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े थे वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन की बात होती है, यहां जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो पॉलिप और मेडुसा, इनको दो अलग अलग जनरेशन मान रहे हैं, तो उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात हो रही है, या हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात नहीं हो रही है। ये दोनों ही प्लॉडी सेम होगी, अगर सिलेंट्रेट डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड जनरेशन ये भी है, डिप्लॉयड जनरेशन ये भी है, तो उस लिहाज से प्लांट किंगडम में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े हैं वो थोड़ी ना है ये। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द जरूर लिखा है लेकिन उसको मेटाजेनेसिस कह दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लॉयडी नहीं चेंज हो रही है, अगर ये भी डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक हैप्लॉयड है एक डिप्लॉयड है, तो इसलिए हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द का इस्तेमाल उसी सेंस में कर रहे हैं जिस सेंस में प्लांट किंगडम में किए थे। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ है लेकिन दोनों ही जनरेशन की प्लॉयडी सेम है, इसलिए यहाँ पर मेटाजेनेसिस शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जिसमें की प्लॉयडी नहीं बदलती है, केवल बॉडी फॉर्म बदल जाता है। तो ये हो गया मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का डिफिनेशन क्या है? मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ जनरेशन लिखेंगे, बताते हैं कौन सा जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा फेज, यानी पॉलिप एंड मेडुसा फेज को दो जनरेशन माना गया है, एंड बट बोथ शो सेम प्लॉयड, बट बोथ शो सेम प्लॉयडी, दोनों की प्लॉयडी क्या होती है सेम, अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होगा डिप्लॉयड, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज का बंटवारा हो जाता है, अगर पॉलिप स्टेज है तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाएगा, एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाएगा, ये गैमेट नहीं बनाएगा, और मेडुसा स्टेज क्या होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, ये गैमेट बनाएगा। तो मेडुसा स्टेज गैमेट बनाता है, पॉलिप स्टेज गैमेट नहीं बनाता है, बस ये ध्यान रखना है। तो पॉलिप में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जनरली बडिंग से होता है, कैसे होता है, बडिंग से होता है, ठीक है।
तो पॉलिप से बडिंग के द्वारा मेडुसा बनेगी और मेडुसा पानी में तैरते रहेगी, फिर स्पर्म हुआ बनाएगी, वो फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, जायगोट फिर चट्टान से चिपक करके पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉलिप एंड मेडुसा, पॉलिप एंड मेडुसा, इसका अल्टरनेशन होता रहता है, इसी को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिलेंट्रेटा फाइलम में तीन तरह के मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर जो केवल पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें मेटाजेनेसिस नहीं देखा जाएगा, कुछ मेंबर जो केवल मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनमें मेटाजेनेसिस नहीं देखा जाएगा, लेकिन कुछ मेंबर पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें मेटाजेनेसिस देखा जाएगा। ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो ओबिलिया का नाम आप याद रखिएगा। और पॉलीफॉर्म को पहचानेंगे कैसे, पॉलीफॉर्म जो होता है वो सेसाइल होता है, ये तो जनरल प्रॉपर्टी पहले भी बता चुके हैं, पॉलीफॉर्म सिलिंड्रिकल होता है। और मेडुसा फॉर्म को कैसे पहचानेंगे, मेडुसा फॉर्म जो होता है वो फ्री स्विमिंग होती है, और ये क्या होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि सर जो सिलेंट्रेट केवल पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल प्रोडक्शन भी दिखाएंगे? जाहिर सी बातें दिखाएंगे, क्योंकि वो केवल पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें मेडुसा तो है नहीं कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाने के लिए आ जाए, तो उनमें पॉलीप को दोनों रिप्रोडक्शन दिखाना पड़ता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों। यहां पर रिप्रोडक्शन का बंटवारा तब हुआ है जब एक ही इंडिविजुअल में दोनों बॉडी फॉर्म आ रहे हैं, पॉलीप और मेडुसा। ओबिलिया स्पीशीज में दोनों तरह के बॉडी फॉर्म आ रहे हैं, तो वहां बंटवारा हो गया कि भैया ऐसा है कि तुम सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाना, हम सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाएंगे, लेकिन जब एक ही बॉडी फॉर्म है पूरे जीवन भर तो उसको तो सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों दिखाना पड़ेगा। तो हाइड्रा जो है वो सिर्फ पॉलीफॉर्म एग्जिस्ट करता है और उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं, लेकिन ओबिलिया में पॉलीप मेडुसा दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन सिर्फ पॉलीफॉर्म दिखाएगा और सेक्सुअल प्रोडक्शन सिर्फ मेडुसा फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो कुछ एग्जाम्पल तो आप पहले भी जान चुके हैं, इसमें एग्जाम्पल में ओबिलिया जिसको हम सी फॉर बोलते हैं वो आप लिख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ओबिलिया हो गया, ओबिलिया को सी फॉर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आप फाइसेलिया लिख लेंगे, फाइसेलिया इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पिनेटुला है, पिनेटुला है इसको सी पेन कहा जाता है, सी पेन कलम जैसा होता है, तो पिनेटुला को ध्यान रखिएगा सी पेन, फाइसेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ओबिलिया को सी फर, और जेलीफिश का बता चुके हैं ऑरेलिया, सी एनिमोन को मैट्रीडियम या एडम्सिया, सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन है इसका साइंटिफिक नेम मैट्रीडियम, याद रखिएगा, और एक और साइंटिफिक नेम है और एडम्सिया, मैट्रीडियम या एडम्सिया। ठीक है, तो मैट्रीडियम हो गया, एडम्सिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और गॉर्गोनिया एक और एग्जांपल लिख लीजिए, सी सी फैन बोलते हैं गॉर्गोनिया, ये हो गया सी फैन, तो गॉर्गोनिया जो है वो क्या हो गया, सी फैन हो गया। और एक होता है ब्रेन कोरल जिसको मियांड्राइना बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ब्रेन जैसा दिखता है, वो कोरल है, तो ब्रेन कोरल लिख लेंगे मियांड्राइना, मियांड्राइना ये हो गया ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, तो मियांड्राइना जो हो गया ब्रेन कोरल हो गया, गॉर्गोनिया सी पेन हो गया, पेनेटुला सी पेन हो गया, पाइसेरिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर हो गया, ओबिलिया सी फर हो गया, जेलीफिश ऑरेलिया हो गया, सी एनिमोन यानी मैट्रेडियम या एडम्सिया हो गया, और हाइड्रा तो है ही है हर जगह, और हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है, समुद्र में भी होता है, लेकिन ये सारे जितने सिलेंट्रेट देख रहे हैं ये सब के सब समुद्र में पाए जाते हैं। ओबिलिया भी मरीन है, पाइसेरिया भी मरीन है, पेनेटुला भी मरीन है, देखो सबके नाम के आगे सी लगा हुआ है, गॉर्गोनिया भी मरीन है, कोरल हमेशा समुद्र में पाए जाते हैं, कोरल्स आर मरीन। ठीक है, तो कोरल भी मरीन हो गए। हाइड्रा जो होता है ऐसा सिलेंट्रेट है जिसमें कुछ स्पीशीज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज जो है वो समुद्र में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से फाइलम सिलेंट्रेटा का डिस्कशन समाप्त हुआ। अब हम लोग फाइलम टीनोफोरा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फाइलम टीनोफोरा, देखिए फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स को पहले फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा गया था, बाद में इनको अलग कर दिया गया कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण, लेकिन ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टी फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर से मिलती है। ठीक है, तो फाइलम टीनोफोरा में जो नाम पड़ा है टीनोफोरा, उसका मतलब होता है टीनी बियरिंग एनिमल्स।
तो टीनोफोरा मींस टीनी, इसमें टी इसमें सी साइलेंट है, टीनी बियरिंग एनिमल्स, टीनी बियरिंग एनिमल्स। अगर टीनी क्या होता है, टीनी कॉम्ब प्लेट्स को बोला जाता है, ये कंघी जैसी होती है, तो टीनी जो है वो कॉम्ब प्लेट्स को कहा जाता है, और ये कॉम्ब प्लेट्स की मदद से पानी में ये तैरते हैं, तो टीनी का मतलब होता है कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स। तो ये टीनी जो होता है वो कॉम्ब प्लेट होता है, ये कंघी जैसी होती है, ऐसे ये होती है, ये सीलिया है, ठीक है, इनमें सीलिया पाया जाता है, और सीलिया की कंघी जैसी कतारें होती है, ये प्लेट इस तरह से। तो टीनी बियरिंग एनिमल या कॉम्ब प्लेट्स बियरिंग एनिमल्स, और इनमें काफी मोटी मेसोग्लिया होती है, क्योंकि जैसे सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें भी दो जर्म लेयर्स बनते हैं एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में काफी मोटी मेसोग्लिया होती है एकदम जेली जैसा, तो ये जेली जैसे दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट जेली जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज कहा जाता है, या इनको सी वॉलनट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। तो टीनोफोरा के मेंबर जो होते हैं, टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। अच्छा, कॉम्ब इसलिए क्योंकि मैं कॉम्प्लेट पाया जाता है, जेलीज इसलिए कि काफी मोटी मेसोग्लिया होती है, वेरी थिक मेसोग्लिया, मेसोग्लिया बता चुके हैं आपको, मेसोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में काफी मोटी जेली जैसा लेयर होता है, इनकी बॉडी वॉल के बीच में काफी मोटी जेली जैसा लेयर होता है, ठीक है। और ये टीनोफोरा के मेंबर जो होते हैं केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, पोरीफेरा ज्यादातर समुद्र में पाए जाते थे, सिलेंट्रेटा ज्यादातर समुद्र में पाए जाते थे, और उनके कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में ही पाए जाते थे, लेकिन टीनोफोरा ऐसा फाइलम है जिसके सारे मेंबर्स समुद्र में पाए जाते हैं, कोई भी नदी या तालाबों में यानी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन। तो ये फाइलम क्या है, एक्सक्लूसिवली मराइन फाइलम है। तो आप समझ गए, मोस्टली मराइन और एक्सक्लूसिवली मराइन में क्या अंतर है, कि कुछ मेंबर नदी में भी पाए जा सकते हैं, तालाबों में भी पाए जा सकते हैं, अगर हम मोस्टली मराइन बोल रहे हैं तो, और एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब कि केवल समुद्र में पाए जाएंगे, एक भी मेंबर इनका फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो टीनोफोरा जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी ये भी एक्वाटिक होते हैं, कहने का मतलब पानी के बिना ये भी जीवित नहीं रह सकते। तो आप लगातार तीन फाइलम आप ऐसा देख रहे हैं जो पानी के बाहर नहीं पाए जाते, पानी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा है, ये तीनों मेंबर एक्वेटिक है, सारे मेंबर पानी में पाए जाएंगे, कोई मेंबर लैंड पर नहीं पाए जाएगा। अब टीनोफोरा में क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे, ये भी रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा दिखाते हैं तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, एकदम सिमिलरिटी है सिलेंट्रेटा जैसी। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको वो सारा प्रॉपर्टी सिलेंट्रेट से मिल रहा है, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनकी बॉडी जैसे हम बना लेते हैं, इनकी बॉडी ज्यादातर मेड्यूसा स्टेज मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इनकी बॉडी ऐसे अम्ब्रेला जैसी होगी, ठीक है, और ये ऐसे हाइपोस्टोम लड़का होगा और ये माउथ होगा, ठीक है। तो अम्ब्रेला जैसी थोड़ा गोल अम्ब्रेला हो गया है, और इनके बॉडी के ऊपर कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इनके बॉडी के ऊपर कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। तो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, इनके बॉडी के ऊपर 8 कतारें होती हैं, एक रो हो गया ऐसे, दूसरा रो हो गया ऐसे, तीसरा रो हो गया, ठीक है ना, ऐसे चौथा रो हो गया, चारों तरफ 8 रोज होते हैं कॉम्ब प्लेट्स के, और ये इनके कॉम्ब प्लेट्स है, देखो कंघी जैसे, ये सीलिया निकला हुआ है, देखो ये देखो कॉम्ब प्लेट्स, कितना सरल चीज है समझना। हाँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ करके नहीं समझ में आएगा, तो मैं चित्र बना रहा हूँ तो तुमको बहुत सरल दिख रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारे दिमाग में जाकर पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, उसके लिए तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा लेक्चर को। ये देखो, ये है कॉम्ब प्लेट्स, तो दे बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है।
दे बियर एट एक्स टर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। अब तुम देख रहे हो कितने रोज हो गए, एट रोज, एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया, चौथा रो होगा, ऐसे पीछे भी तो होगा, तो चारों तरफ कितने रोज है कॉम्ब प्लेट्स के, एट रोज है। मैं एट कॉम्ब प्लेट नहीं बोल रहा हूं, आठ रोज बोल रहा हूं, और हर रोज में बहुत सारे कॉम्ब प्लेट्स हैं, ये कॉम्ब प्लेट्स है, देख रहा हूं, मेनी कॉम्ब प्लेट्स। बच्चे क्या गलती करते हैं, हाउ मेनी कॉम्ब प्लेट्स आर देयर इन टिनोफोरन, एट। अरे भैया एट रोज है और हर रो में बहुत सारे कॉम्प्लेट्स हैं, तो ऐसे तो हजारों कॉम्प्लेट्स हो गए एक टिनोफोरन में, तो लोग झटके से क्या आंसर मार देते हैं, एट कॉम्प्लेट्स, एट रोज ऑफ कॉम्प्लेट है बेटा, ठीक है, तो एट रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स और हर रो में बहुत सारे कॉम्प्लेट्स होंगे, और कॉम्प्लेट्स किसके बने होते हैं, सीलिया के, और इसके मदद से ये तैरने में मदद, हेल्प इन स्विमिंग, तो हेल्प इन स्विमिंग, और मेडुसा से फ्री स्विमिंग होगा ही होगा। तो जो टिनोफोरन्स होते हैं मेडुसा फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं, कि बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है ना, और ये इनका सिंगल ओपनिंग होता है जिसको आप माउथ एनस दोनों कह सकते हैं, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। और टिनोफोरा की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, ये रोशनी छोड़ते हैं, बहुत सारे जैसे जुगनू है, जुगनू देखते हैं रात में ऐसे चमकता है, रोशनी छोड़ता है, तो ऐसा एनिमल जो लाइट छोड़ता है उसको बायोल्यूमिनिसेंट एनिमल कहा जाता है, और इस फेनोमेनन को बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है, तो आप लिख लेंगे कि टिनोफोरा सो बायोल्यूमिनिसेंस, तो बायोल्यूमिनिसेंस दिखाते हैं, टिनोफोरा सो बायोल्यूमिनिसेंस, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो टिनोफोरा सो बायोल्यूमिनिसेंस, तो बायोल्यूमिनिसेंस SCENCE, ठीक है, यानी इमिशन ऑफ लाइट, तो इमिशन ऑफ लाइट बाय एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब कोई लाइट छोड़ी जाती है तो उसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट छोड़ता है तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, और सरल शब्द में आप लिख सकते हैं रिलीज ऑफ लाइट बाय एनी एनिमल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, और टिनोफोरा जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है, ठीक है, और खाली टिनोफोरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सीलेंट्रेट्स भी हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर्स लगभग 100 में से 99 मेंबर्स एक तरह से कह सकते हो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं टिनोफोरा में, इसलिए ये पूरे फाइलम की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, सीलन डेटा में तो कुछ मेंबर दिखाएंगे, जुगनू आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है तो वो कुछ आर्थ्रोपोड्स बायोल्यूमिनेसेंस दिखाएंगे, लेकिन एज अ फाइलम की बात करें तो कौन सा फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल से भरा हुआ है, तो टिनोफोरा भरा हुआ है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको कॉम्प्लेट समझ में आ गया होगा, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, तो बायोल्यूमिनेसेंस केवल टिनोफोरा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये और भी दूसरे फाइलम के एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, तो एक बार मैं इसको फिर से दोबारा लिख दे रहा हूं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये टिनोफोरा दिखाता है, ठीक है, इमिशन ऑफ लाइट बाय एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, और टिनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें डाइजेशन सिलेंट्रेटा जैसा ही होता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो डाइजेशन is both extracellular and intracellular, मतलब कि पहले extracellular digestion होगा, उसके बाद क्या होगा, intracellular digestion होगा, और इसमें भी gastrovascular cavity पाई जाती है, सिलेंट्रॉन पाया जाता है, तो they also contain, ये NCERT में तुमने लिखा है, they also contain gastrovascular cavity,
और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें काफी ब्रांचिंग पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोस्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं होती है। जबकि सिलेंट्रेट होता तो उसमें स्टिंगिंग सेल पाई जाती, तो उसमें स्टिंगिंग सेल नहीं होती है, लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन पाया जाता है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर होता है, इनमें बायोलुमिनेसेंस देखा जाता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, और इनमें भी रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, और इनमें कॉम प्लेट्स पाए जाते हैं, सीलिया के बने होते हैं, जिससे कि लोकोमोशन या तैरने में इनको मदद मिलती है, ठीक है। तो कॉम प्लेट एक बार फिर आप याद रखेंगे, कॉम प्लेट्स किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं, तो पानी में लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, स्विमिंग। भाई पानी में आप तैर रहे हैं तभी तो बोला जाएगा कि लोकोमोशन आप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मेंबर्स होते हैं, टीनोफोरन्स जो होते हैं, टीनोफोरन्स आर बाइसेक्सुअल, यानी इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। देखिए सीलेंट डेटा में इसका कोई जिक्र नहीं है कि सेक्स कैसा है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, कुछ मेंबर उसके बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ मेंबर उसके यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, सीलेंट डेटा में, इसलिए स्पष्ट नहीं लिखा है कि यूनिसेक्सुअल होता है कि बाइसेक्सुअल, वहां आपको कुछ मेंबर बाइसेक्सुअल मिलेंगे, कुछ मेंबर यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि सारे मेंबर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कहने का मतलब ये है, जनरल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शंस तो हर जगह होंगे, ठीक है। तो टीनोफोरन्स आर बाइसेक्सुअल, और इनमें फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अच्छा, जब फर्टिलाइजर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो सीलेंटेटा की बात भी सोचिए, तो सीलेंटेटा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे हाइड्रा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जेलीफिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां भी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यानी सीलेंटेट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखा जाता है, लेकिन टीनोफोरा में सिर्फ कौन सा फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, ठीक है। और इनमें जो लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो इसलिए इसमें डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, तो टीनोफोरा में डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वल स्टेज इज सीन, लार्वल स्टेज इज सीन, यानी इनमें लार्वल स्टेज देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और टीनोफोरा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सीलेंट्रेटा में क्या, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखा जाता है, पॉलीफोरा में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लेकिन टीनोफोरा में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता। सीलेंटेटा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, बॉडी के अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है या बॉडी के बाहर गैमेट का फ्यूजन होता है, कुछ सीलेंटेट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कुछ सीलेंटेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन टीनोफोरा में हमेशा गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समुद्र के पानी में होता है, क्योंकि समुद्री जीव है तो समुद्र के पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो, और वही होता है इसमें, और इसमें लार्वा स्टेज देखा जाता है, तो डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। सीलेंटेटा के कुछ मेंबर में लार्वा देखा जाता है, कुछ मेंबर में लार्वा नहीं देखा जाता, जैसे हाइड्रा में लार्वा नहीं देखा जाता, लेकिन ओविलिया में लार्वा देखा जाता है, और सीलेंटेटा में जो लार्वल स्टेज कॉमन होता है उसको प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि प्लेनुला लार्वा किस फाइलम के मेंबर का लार्वा है, मोस्ट कॉमन लार्वा, तो सीलेंटेटा का लार्वा है प्लेनुला लार्वा। तो कहेंगे सब हाइड्रा में तो सिलेंट्रेट है तो उसका लार्वा है क्या, नहीं, हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लेकिन प्लेनुला लार्वा जेलीफिश में भी बनेगा, प्लेनुला लार्वा सी एनिमोन में भी बनेगा, प्लेनुला लार्वा ओबिलिया में भी बनेगा, तो प्लेनुला ज्यादातर सिलेंट्रेट के लाइफ साइकिल में बनने वाला लार्वल स्टेज है, तो ज्यादातर सिलेंट्रेट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, कुछ सिलेंट्रेट डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, उनमें लार्वा नहीं बनता, जैसे हाइड्रा है, सी एनिमोन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखेगा, जेलीफिश में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखेगा, ओबिलिया में इंडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखेगा, और सब में प्लेनुला लार्वा बनेगा, ये सब चीज एनसीईआरटी बुक में डिस्कशन नहीं है, तो यही थोड़ा आधा अधूरा एनसीईआरटी में दिया रहता है, तो उसको पूरा करना पड़ता है, तो आपको हमने पूरा करके बता दिया, तुलनात्मक रूप से बता दिया कि जब मैं आपको टीनोफोरा पढ़ा रहा हूं, तो वही देखो कंपेरिजन में मैं आपको सीलेंटेटा का भी इसमें कुछ पॉइंट ऐड करते जा रहा हूं। इसे लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो ये चीज आपको बहुत क्लियर रखनी है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग निकल सकते हैं बाहर भी। अब देखो सीलेंटेटा में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, सीलेंटेटा में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया, सीलेंटेटा में हमने डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, ये तीनों चीज का जिक्र एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, और बताना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि इनके बारे में कोरिफेरा में भी जिक्र किया है एनसीईआरटी बुक ने, इन
पैरामीटर्स के बारे में उसने टीनोफोरा में भी जिक्र किया लेकिन सिलेंड्रेटा का छोड़ दिया, तो ये अब बताना आवश्यक था। तो इस तरीके से आपने देखा कि फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको मेंशन कर लें, प्लीरो ब्रैकिया और टीनोप्लाना, प्लीरो ब्रैकिया और टीनोप्लाना, ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा के। और एनसीईआरटी में जो चित्र दिया है वो आप ध्यान रखेंगे वो प्लीरोब्रैकिया का चित्र दिया हुआ है। तो प्लीरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, और ध्यान रखना कि इसमें भी टेंटिकल पाए जाते हैं, दो लंबे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जैसे उसने क्या किया होगा, देखो एक गोल सा ऑर्गेनिज्म बनाया होगा, उसमें ऐसे सिलेटेड कॉम्प्लेक्स के रो दिखाए होंगे, ठीक है, सिलेटेड कॉम्प्लेक्स के रो दिखाए होंगे और ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल्स दो निकाल दिए होंगे। तो इसमें भी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, दो टेंटिकल पाए जाते हैं ध्यान रखना, और इनके टेंटिकल्स पर स्पेशल सेल होती हैं चिपकाने वाले, इनसे जो ये टेंटिकल्स को चिपका देती है किसी सरफेस से, इनको लासो सेल बोलते हैं। तो लासो सेल एक्स्ट्रा पॉइंट है या कोलोब्लास्ट। अब टेंटिकल के बारे में एनसीईआरटी बुक में जिक्र नहीं किया लेकिन चित्र में तो बनाया है। तो ये टीनोप्लाना की बॉडी और उससे दो टेंटिकल निकले हुए हैं, और ये टेंटिकल, इसको मैं टेंटिकल लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा, टू टेंटिकल्स, टू लॉन्ग टेंटिकल्स, और जो लंबे टेंटिकल्स होते हैं उनके मदद से वो अपने आप को किसी बहते हुए पानी में चिपका लेता है किसी चट्टान से, अगर उसको कहीं रुकना है तो, और उस चट्टान चिपकने के लिए चिपचिपे पदार्थ निकालने वाली जो सेल होती है उस सेल का नाम क्या है बेटा, लासो सेल। लासो सेल का दूसरा नाम क्या है, कोलोब्लास्ट। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, ये दो एग्जाम्पल टीनोफोरा का कौन सा हो गया, प्लीरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। तो इस तरीके से फाइलम टीनोफोरा समाप्त हो गया।